अरे मेरे पे क्यों चल रहा अरे दिमाग क्यों खराब मेरे घर वाले परवाह नहीं करते तो तुम कौन होते छोड़ दे भाई कर क्या रही लड़की भाई देखा इस लड़की ने अपना फोन तोड़ दिया भाई इंटरनेट बजा रही हो चल क्या रहा अरे बहन 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 अरे हुआ क्या है ए जाओ यार यहाँ से छोड़ फोन अरे मेरे पे क्यों चल रहा इसी के वजह से सब इसी की टेंशन दे रखी है मेरा दिमाग अरे हुआ क्या है बहन बताइए और क्या अरे ओए 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 अरे पागल पागल अरे पागल हो रही हो क्या अरे दिमाग क्यों खराब मेरे घर वाले परवाह नहीं करते तो तुम कौन होते छोड़ दे अरे बात सुनो मेरा फोन अरे 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 छोड़ो मैंने दे रुक जाओ बंद हो मेरा अरे रुक जाओ हां छोड़ो मेरा हां छोड़ो मैंने हां छोड़ हां छोड़ो हो कौन तुम यहां से अरे जल्दी फोन दो मेरा फोन दो मेरा बात क्या है बात बताओगी तुम्हें क्या करना रिश्तेदार लग रहे हो अरे अरे पागल अरे पागल है कलकी मां खराब करी जा रही है छोड़ो तुम कौन होते हो बात बताओगी क्या है छोड़ो इधर आ पहले छोड़ो मुझे छोड़ो हुआ क्या है छोड़ो अरे बहन बता तो दे बात क्या है छोड़ो मुझे तुम कौन हो जो बीच में आ रहे हो मेरे घर वाले मेरी परवाह नहीं करते तो तुम कहां गए अरे यार तू पागल पागल हुआ क्या है ओ भाई रुक जा अरे ओ हेलो ओ भाई बेहोश हो गई है उठो उठो एक मिनट हेलो हाँ तो बेहोश हो गए भाई पानी लाना पड़ेगा पानी ले आऊं मैंने पानी लिया था पहले ना दिक्कत क्या हुई पानी पी लो तुम आराम से कोई दिक्कत नहीं घबराओ मत पानी पियो आराम से आप क्यों बीच में आए हो क्यों इंटरफेयर जो मैं जो कर रही हूँ मुझे मर जाने दो मुझे नहीं मरने से कुछ हो जाएगा कुछ होगा मरने से फिर आप दीवार में यहाँ एक पत्थर पे सिर मार रहे हो मैं देख रहे हो चाहती हूँ भैया अब ऐसे भी दुनिया में जी के मैं क्या करूँ दिक्कत क्या हुई मैं बता पहले पानी पी लो पानी पियो मेरे घर वाले अड़ोस पड़ोस वाले कोई नहीं पूछता आप पता नहीं कुछ तो बात हुई होगी क्यों नहीं पूछता तुम में कोई कमी होगी कोई दिक्कत होगी रो रो क्यों रहे हो रोने से कुछ हो रहा है मुझे बताओ बात क्या है ऐसे क्यों कर रहे हो तुम फोन तोड़ रहे हो मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी ना तो आपको भी ये लगेगा कि मैं ही गलत हूं ना फोन पकड़ो तुम कोई दिक्कत नहीं ठीक है हुआ बात तो कुछ हुई होगी ये तो बताओ मुझे पूरी कहानी बताओ कोई दिक्कत नहीं तुम भैया अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी ना तो आप भी उठ के चले जाओगे जितनी देर यहाँ बैठे हो ना बैठोगे नहीं मेरा पूरा मोहल्ला मुझे थूकता है किस बात से थूकता है बताओगे भैया मैं जहाँ रहती हूँ मेरे साथ मेरा पति भी रहता है उसने ना दो तीन मकान छोड़ के आगे फ्लैट ले रखा है मेरे से बोलता है कि जॉब करता हूँ वो ना लड़कियों से धंधा कराता है आपका पति पूरे मोहल्ले वाले थूकते हैं वो सोचते हैं कि इसमें मैं भी शामिल हूँ माया छोटी छोटी बच्ची आने से डरती है आपको कैसे पता कहते धंधा करता भैया छोटा सा मोहल्ला है आपको पता है कि बात फैलने में टाइम नहीं लगता भैया जब मैं अपने पति को समझाती हूँ वो मुझे मारता है पागलों की तरह कंप्लेंट करी कभी किसके खिलाफ करूँ कंप्लेंट वो उसके खिलाफ करूँ वो आके मुझे मार दे जान से मेरा बच्चा है छोटा भैया मैंने बहुत समझाया पूरा मोहल्ला मेरे को थूकता है कि तुम ऐसे कराती कितना टाइम हो गया शादी को भैया 4 साल हो गए शादी को बच्चे कितने हैं एक ही तो फोन बताओ मैं ऐसी जिंदगी से क्या करूं जीने से फोन करता है धमकी देता है मरने से कुछ हो जाएगा ये तो ये मैं तो मरने से कुछ सॉल्यूशन निकलेगा भैया मैं ऐसे नहीं जी सकती ना ऐसे मुझे पूरा मोहल्ला ताना मारता है ऐसा छूत की नजर से देखता है जैसे कोई छूत की बीमारी फैमिली को पता है कोई नहीं है भैया मेरा फैमिली में अच्छा अगर फैमिली में कोई होता तो मैं यहीं इस आदमी के साथ रहती अपना बच्चा लेके चली जाती मैं खुद अपनी जान दे दूंगी अपने बच्चे को भी साथ लेके जाऊंगी उसको इधर नहीं छोड़ के जाऊंगी अब ये फोन की फोटो देख रहे हैं यहाँ पर क्या कोई बात हो रही थी किसी से वो ही मर रहा था ना अच्छा बार बार फोन कर रहा है अब कहाँ पर है वो जहाँ वो लड़कियाँ हैं वहीं धंधा करा रहा है बताओ वो लड़कियाँ तो दिल्ली में करवा रहा है कहते हैं बाहर भी करवाता है बाहर भी कराता है वो इंदौर में उसका चारों तरफ काम चलता है बताइए ऐसी कमाई से क्या बच्चे पे शरीर में बरकत होगी कि घर में बरकत होगी दुनिया थूकती है अच्छा
उनको लगता मैं भी ये सब में शामिल हूँ। माया छोटी सी आप बिजवानी, मैंने जरा जरा सी बच्ची आने से डरती, उनकी माँ बोलती कि इनके घर नहीं जाना। देखो एक चुनाव में, देखो मैं अगर ना किसी के फैमिली मैटर में पढ़ता नहीं हूँ, आप बोल रहे क्यों आया हूँ, मैं एक सोशल मीडिया पर वर्क करता हूँ ठीक है, और आपका देखो वीडियो भी कैमरा मेरा लगा रखा है ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो ना आप बोल सकते हो, मेरी ऑडियंस पूरी सुन रही है ठीक है, आप बता सकते हो ठीक है। गाइस क्या हुआ है, इनका जो हस्बैंड है वो धंधा चलाता है फ्लैट को, दूसरा फ्लैट लेकर, दूसरा फ्लैट लेकर छोटे छोटे बच्चों से, कितने कितने साल के बच्चे होते हैं भैया, 12-12 साल की, 10-10 साल की। आप घबराओ मत, आप चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो। भाई रो रहे यार जब से यार, कोई दिक्कत नहीं, आप उठो एक बार, उठो कोई दिक्कत नहीं, उठो कपड़े सही कर लो यार, फोन ही तुमने पूरा ही तोड़ दिया। रोने से कुछ नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कंप्लेंट लिखवाते हैं इसके नाम की, क्या नाम है पति का, क्या नाम सनी। है सनी नाम है। गाइस दूसरी वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक इसे ये कर दो या कट, बहुत कोई दिक्कत नहीं ठीक है, फोन पकड़ो अपना आओ। ये कब से चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है, कब से चल रहा है भैया? 3 साल से। अच्छा 3 साल से चल रहा है।